आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुजफ्फरनगर यानी किसानों की कर्म भूमि। स्वागत है उन तमाम लोगों का जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। मुजफ्फरनगर यानी वो मुस्कुराहट जो थाली में खाने को देखकर आपके चेहरे पर आती है, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि सियासी पार्टियों के लिए किसी के लिए ये जाट लैंड है, किसी लिए ये 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे की कहानी है। हर पार्टी अपने तरीके से मुजफ्फरनगर का सियासी इस्तेमाल करती है। और ये भी याद रखिएगा कि किसानों के मुद्दे पर भी हर पार्टी अपनी पॉलिटिक्स नए सिरे से बिछाती हुई दिखा देती है। लेकिन इतना तो तय है कि किसानों ने यह सुनिश्चित किया है कि वो इस देश की राजनीति का एजेंडा सेट करते हैं। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीनों पार्टियों की तरफ से तो हमारे साथ यहां पर मेहमान होंगे ही जो चर्चा करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत साहब, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। चूंकि मुजफ्फरनगर से सबसे ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि सहमति और सहयोग किसान आंदोलन को दिल्ली में मिला था, तो इसीलिए वो एक यहाँ पर पक्षधर बनकर यहाँ पर खड़े होंगे। हरीश अहलावत जी, मीडिया इंचार्ज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। गौरव जैन साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नरेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखा देते हैं आपको मुजफ्फरनगर की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। और फिर टिकैत साहब आपको सुनाएंगे, आज प्रधानमंत्री ने देश की संसद में ये कहा है कि जो लोग छोटे किसानों पर राजनीति कर रहे हैं उनको बाज आना चाहिए, हमें किसानों की चिंता, हम काम कर रहे हैं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट। दो बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जब किसान नेता के तौर पर जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह 1971 में इसी मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनावों में पहली बार उतरे तो वो हार गए, उन्हें बाद में बागपत जाना पड़ा। तो मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों की बात हमेशा होती है, ये मुद्दा बनता है, चुनावी मुद्दा बनता है। ऐसी एक किसान जो अपने गन्ने को लेकर बिक्री के लिए जा रहे थे सर? हाँ, बिक्री के लिए जा रहे, मिल में जाएगा गन्ना सेंटर पे। अच्छा, मिल पे लेकर आप जा रहे हैं सेंटर पे। आपका नाम क्या है? वारिस। वारिस जी, ये बताइए कि आपका काम ठीक चल रहा है क्या? जो गन्ने के पैसे का भुगतान होता है वो वक्त पर होता है? हाँ, वक्त पर हो रहा है। आपके साल तो वक्त पर हो रहा है, वक्त हो रहा है। अच्छा, क्या सोच है आप लोगों की, किस किसकी तरफ झुकाव है? क्या मौजूदा सरकार से खुश है, जो उनका भुगतान का जो कार्यक्रम है उससे ठीक आपको लग रहा है? मौजूदा सरकार तो अच्छी है, बदमाश जंगल में नहीं मिलता, रोड पे नहीं मिलता, और क्या चाहिए। तो आपको ये सरकार ठीक लग रही है? लग रही है। कि आपकी मेन वजह क्या है, क्या अच्छा लग रहा है? मेन वजह बदमाशी खत्म होगी सारी। तो गन्ना बेल्ट में जहाँ पर उसी गन्ने से गुड़ बन रहा है, ऐसी जगह पर हम पहुंचे हैं, कितनी कमाई हो जा रही है आप? अजी, कमाई तो कुछ नहीं, यहाँ तो खर्चे इतने, इसमें लाइट में तीन साढ़े तीन लाख रुपए तो लाइट लाइट में चले जाते हैं हमारे, छह सात महीने के, और तेल भी 100 रुपए डीजल फूंक रहे इसमें। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराजगी है, इधर गन्ने के किसान भुगतान को लेकर नाराज है, आपको क्या लगता है क्या ऐसा? भाई, रेट बढ़ रहे गन्ने के, गुड़ के भाव कम है, बस यही है। आप अब ये गन्ना वर्सेस गुड़ कर दिया आपने, गन्ने के भाव कह रहे हो आपके बढ़ रहे हैं लेकिन गुड़ मंदा है? हाँ जी, गुड़ मंदा है जी, गन्ने के भाव बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखो जी, कृषि कानून पे कह रहे हैं ना, 13 महीने तक बॉर्डर पर बैठे रहे और बेरोजगारी, और देखो कानून व्यवस्था, देखो लखीमपुर खीरे वाला केस देख लो, हाथरस वाला देख लो जी, सिलेंडर देखो 1000 रुपए का है, किसान गरीब पहले सिलेंडर मार दिया फ्री में, फिर अब 1000 रुपए का कर दिया, अब कैसे ये सिलेंडर ले लेंगे गरीब? हमारे यहाँ इतनी शांति है इस सरकार में कि पहले हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, और पहले खेत में आने में भी डर लगता था, अब बिल्कुल नहीं लगता। और जितना डर लगता था, बदमाश रहते थे खेतों में। बाबा, क्या है, पहले से बेटर है, खराब है, क्या हुआ है, आपकी क्या सोच है, आपको क्या लग रहा है? बेहतर ही है मामला जी, सही है मामला, मामला ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, गन्ने का भुगतान हो रहा है पैसे का, बिल्कुल सही। एक प्रॉब्लम हमारी, तो प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा पशु घूम रहे हैं और बंद हो जाए, भाई ठीक। सबके अपने अपने हीरो हैं, हमारा हीरो जयंत है, हमारा हमारा हीरो जयंत है,
हम चैन को वोट दे रहे, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे। मैडम चौधरी साहब ने वो समय किसानों को याद रखना चाहिए जब यहाँ पे गन्ने की दुर्गति हो रही थी, आज खेत के बीच में आप लोग खड़े हैं और चौधरी साहब ने उसे यहाँ इस स्थिति का आज किसानों को पहुंचा दिया। गाड़ी और फॉर्चूनर में घूम रहे सिर्फ चौधरी साहब की देन है। अगर इस चीज को भी लोग समझ नहीं पा रहे ना तो वे मूर्ख है। इतना तो तय है कि लड़ाई तगड़ी है और यही तगड़ी लड़ाई है जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। उन्हें भी एहसास है कि गन्ने के खेत हो या फिर अन्य खेत हो या फिर अलग अलग जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये तमाम सीटें, जंग जबरदस्त छिड़ी हुई है, राय बटी हुई है और इसीलिए उनके लिए आर पार की लड़ाई है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको राजतिलक के मंच पर। हम सड़कों पर गए, खेतों में गए, लोगों से बातचीत की, ट्रैक्टर पर चढ़कर कई किसान हमें मिले, उनसे हमने जानने की कोशिश की गन्ने के भुगतान को लेकर, लेकिन ज्यादातर लोग जो हमें मिले वो गन्ने के भुगतान को लेकर संतुष्ट दिखे। ये रिपोर्ट में आपने, हालांकि उन्होंने आवारा पशुओं को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठाए। आवारा पशु के मुद्दे पर तमाम किसान, चाहे वो बीजेपी के समर्थक भी थे, तब भी बड़े गुस्से में थे। इन तमाम मुद्दों पर हम सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुना देते हैं पीएम ने आज किसानों के मुद्दे पर क्या कहा है। जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, दो दो चार चार पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत हो गई है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है, लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टिकैत साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग छोटे किसानों पर ज्यादती कर रहे हैं, जो बड़े किसान हैं वो विपक्षी पार्टियों के करीबी हैं, उन्होंने देश की संसद में कहा है, इसीलिए देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो हितकारी काम कर रहे हैं और किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। आपका जवाब टिकैत साहब। अब बात तो ये होगी कि जो देश के प्रधानमंत्री को गलत कागज देके और पार्लियामेंट के मंदिर में झूठ बुलवाते हो, तो हमको शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हो। उनकी जांच होनी चाहिए। गन्ने के भुगतान पे भी प्रधानमंत्री बोल देंगे और छोटे उनको ये रहना चाहिए, सुन लो भाई बात सुन लो, ये रहना चाहिए कि बड़ा किसान तो है ही नहीं यहाँ पर, तो सीलिंग एक्ट है। बड़ा किसान कौन है यहाँ पे, किसको कहना चाहते हैं? बड़ी तो कंपनियां हैं, बड़ी है कंपनियां, बड़ा किसान नहीं कोई पे भी है। यहाँ पे सीलिंग एक्ट है और उसके तहत यहाँ पे सब छोटे किसान है, बड़ा किसान तो है नहीं। और बड़ा किसान कहाँ है वो हमको दिखाई दिया नहीं। यहाँ पे तो बात ही छोटे किसानों की होती है सब। हाँ। मतलब किसान एक है। अब किसान में भी अलग अलग डिविजन करने की जो साजिश सरकारों की चल रही वो पूर्ण रूप से गलत है। जहाँ तक छोटे किसान का विषय है तो इस जनपद में ज्यादातर वो किसान है जिन पे एक एकड़ या दो एकड़ से कम जमीन है और वो वास्तव में वो किसान और मजदूर उसी श्रेणी के लोग हैं, उसकी चिंता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने की है। तो बड़े किसान कौन है? बड़े मेरे हिसाब से बहन जी वो कम से कम 50-60 बीघे जमीन तो हो वो बड़ा किसान है। हाँ, तो वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। कौन जी? जो बड़े किसान है वो कहीं ना कहीं किसान पॉलिटिक्स नहीं करता, लेकिन किसान के कंधे पर बंदूक रख के यहाँ के लोग राजनीति करते हैं। गौरव जैन साहब, देखिए इस सरकार का सरकार के नेताओं का हर बयान हर कर्म किसान के खिलाफ है, आंदोलन के खिलाफ है और सरकार के कुकर्मों पर आवाज उठाने के खिलाफ है। ये लोग उठती हुई आवाज को दमन कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, सरकारी एजेंसी के माध्यम से अपने नेताओं की आवाज को दबा देना चाहते हैं। वर्मा साहब, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने में भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आपकी जमीन यहाँ पर बची हुई है? आपको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ है या फिर इन दोनों के बीच ही लड़ाई रह गई है? वर्मा साहब, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रदेश की आधी आबादी है। दूसरा, उनके पास किसानों की आवाज उठाने के लिए बहुत बड़ी ताकत है और प्रधानमंत्री अगर संसद के अंदर ये कहते हैं कि किसान बाज आ जाएं तो ये उस पद की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। अगर यहाँ का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं गर्मी निकाल दूंगा तो ये मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। ठीक है, अगर कुछ सवाल लेते हैं जल्दी। मेरा राकेश टिकैत जी से सवाल ये है, 2013 के दंगे जब हुए थे
उससे पहले आपने नंगला मदोड़ में पंचायत की थी, वो क्यों की थी भाई, हमें बताओ जरा इस बारे में। पंचायत वो इसलिए की थी कि वहां दो लड़के एक्सपायर हुए, इसलिए पंचायत की थी। क्या 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 सवाल बोल रहे? पंचायत इसलिए की थी वो एक्सपायर नहीं हुए थे, वो मार दिए गए थे वो। उसके बाद सुनिए, उसके बाद मंजिल सैनी हमारी एसएसपी और हमारे डीएम साहब सुरेंद्र सिंह जी उनका ट्रांसफर करा दिया रातों रात। देखो जो मुजफ्फरनगर में उस ट्राल को करवाना चाहता है, वो ट्राल मुजफ्फरनगर में अब होगा नहीं, ठीक है? वो मुजफ्फरनगर में ट्राल नहीं होने का। अब बेफिक्र हो, अब उसको चालू करने की कोशिश करोगे वो होगा नहीं। रुक जाए प्लीज। देखिए रैली नहीं हो रही है, ये कोई रैली नहीं है, ये कोई रैली नहीं है। अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। अच्छा, तो जवाब का इंतजार। अच्छा, एक बार सुन लो, मेरा क्वेश्चन इनमें से ये है कि यहाँ पे जो 2013 का जंगल आप देख ले के एक विचारधारा पार्टी के आप लोग हैं, आप हाथ उठा के ये बता दो कि उस झगड़े में आप कौन लोग जेल गए थे जो आप बोल रहे हो। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये एक मिनट हाथ उठा ले, दो आदमी है ये, तीन ये आ जा बीमारी, आ जा इधर आ जा, मैं बता रहा हूँ इधर आ जा। उसमें सारे हिंदू गए हैं, आप हिंदू और जाट को बांट रहे हैं, हम सब हिंदू गए जेल सारे। अरे एक मिनट, मैं एक कह रहा हूँ सुन लो बात, एक मिनट सुन लो भाई, रुक जा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, जवाब हमें दे देगा, चुप रहो बस। ऐसे नहीं, जवाब ये इस तरह के बीमारी आदमी है आप। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे इनका जवाब हम दे देंगे, यहाँ इतने लोग बैठे, प्लीज अजय एक मिनट सुन दो, इतने लोग यहाँ पे बैठे, ये लोग वे हैं जो दंगा करवा के भाग जाते हैं। एक आदमी जेल नहीं गया उसमें से, एक ये दो आदमी लगा लो जेल गए, और बात ये उसी प्लेटफॉर्म की कर रहे, ये फिर यहाँ पे झगड़ा करवा के और ये जनता आपस में लड़ेगी, ये नहीं दिखने वाले, ठीक है? ये गलत चीज है, उस तरह का प्लेटफॉर्म ना बनाओ भाई यहाँ पे। सवाल मैडम मेरा ये है, क्या आ जा इस दुनिया में खुश रहने का अधिकार नहीं है? आगे आ जा, क्या हमारे बेजोर जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनकी नौकरी का सवाल नहीं है? मैं यहाँ की जनता से ये विशेष अपील करूंगा कि हिंदू मुस्लिम ना करके सिर्फ मुद्दों की बात करें और अपने क्षेत्र की गरीबों को बनाए रखें। और किसान का अधिकार सिर्फ इतना ही है कि उनका बेटा सिर्फ फौज में जाए, किसान को बेटे का अधिकार है कि फौज की नौकरी के साथ साथ वो अपना बिजनेस भी चलाए। आप किसानों का मुकद्दर क्यों नहीं बदल पाए? और अगर बदल पाए तो ऐसे सवाल, ये दुर्भाग्य इस देश का कि जो लोग किसान नहीं है, जिन्हें किसानियत का पता नहीं वो किसान की बात करते हैं। मेरे बंधु तो स्वयं व्यापारी हैं, वे व्यापार की बात करें। क्या 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 क्या, क्या, क्या मैं सुना नहीं आपका। मेरा कहना ये है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि वो किसान की बात करते हैं जिन्हें किसानियत का पता ही नहीं है, ये तो व्यापारी हैं। ये कोई बात है सर, क्यों नहीं वो किसानी पर आपसे सवाल? निश्चित रूप से बहन जी, यहाँ ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें किसान से कोई मतलब नहीं। मैं तो फौजी का बेटा हूँ, और दूसरा जो किसान का बेटा होगी, जो कि सरकार के जो पुरानी सरकार है उन्होंने हमारी जमीन छीनी है, लेकिन अभी किसान का बेटा हो उस... इसीलिए वे लोग गए हैं। छात्र इधर कोई जो सब आइए जल्दी। मैम मेरा बीजेपी से सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था सही हुआ हो, सुरक्षा व्यवस्था सही हुआ, लेकिन क्या रोजगार पे बात नहीं होनी चाहिए? रोजगार के नाम पे छात्रों को पीटा जाता है, महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से रोजगार में बात होनी चाहिए, लेकिन रोजगार के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इस प्रदेश में वो माहौल हो कि लोग खुली हवा में सांस ले सके, उनका आवागमन हो सके। नौकरी प्रदेश... कहाँ है सर? नौकरी लड़की पूछ रही है, नौकरी कहाँ है? युवा पूछ रहा है नौकरी कहाँ है? जहाँ तक नौकरी का सवाल है, पहले नौकरियों के लिए भर्ती में परिवार विशेष के लोग आमंत्रित होते थे, अब ये क्या जवाब है? बहन जी हमने इस प्रदेश में नौकरी के लिए भर्ती किए हैं, निश्चित रूप से बिना भेदभाव के हमने नौकरियां दी हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर में 1.5 करोड़ नौकरी दी है और सरकारी में 2 लाख की नौकरी दी है। दे दो कहां की नौकरियां? ठीक है, साहब से बोलना चाहूंगा आराम से। मैं एक छात्र हूं लेकिन हिंदू हूं। आपको अल्लाह अकबर कहते हैं, शर्म नहीं आई चुल्लू पर पानी में?
नहीं आई नहीं आई नहीं आई है क्या अल्लाह अकबर या नहीं आई कोई बात नहीं कोई नहीं जवाब दे बिल्कुल बिल्कुल अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अरे जब इनको यही पढ़ा रखा तो इनकी क्या गलती है इनकी कोई गलती नहीं जब इनको ट्रेनिंग कौन सवाल पूछेगा हाँ बे जब इनको ट्रेनिंग ही यही दे रखी अरे एक बार दे रखी है यहाँ झगड़ा कराने की ट्रेनिंग दे रखी इन लोगों को इन्हें गलत बात है बिल्कुल भैया मुद्दे पे बात करें अरे अरे ये तो बच्चे हैं सुनो ये तो बच्चे हैं जब इनको ट्रेनिंग ही अभी से इस धंधे पे बात करें विकास पे बात करें क्यों झगड़े पे बात करते हैं यहाँ पे बैठिए बैठे को शोकर पीछे से कुछ और लोग हैं जो नवान सवाल का जवाब अरे आप बात लेकिन आप सबसे मैं कहती हूँ प्लीज भाषा की मर्यादा को रखिए स्टेज पे मौजूद हर व्यक्ति हमारा मेहमान है आप लोग सही भाषा का इस्तेमाल करके आप सही सवाल भाई अरे बात सुन लो ना आप लोग पीछे चले चले सब लोग बैठ जाइए बैठो बैठो जो कह रहा हूँ की बात सुन भाई उन्होंने जब पढ़ रही है क्या नमस्कार आप सबको नमस्कार सबका सम्मान होना चाहिए अच्छे से सवाल पूछिए यहाँ के जो मुद्दे उसको उठाइए आशा ने इतना बड़ा आपको मंच दिया है इतना बड़ा मौका है कि आप नेताओं से सवाल करें अगर आप इसको इन सब में उड़ाएंगे तो ये गलत बात है जी गौरव जैन जी आपसे सवाल है आपकी पार्टी के जो आपके जो मेन आदमी उनका नाम अखिलेश है अभी बात चल रही थी अखिलेश उन्होंने वोट के जो टिकट दिए हैं उन पे सबसे ज्यादा केस अब मुझे बता दो क्रिमिनल को आप क्यों वोट दे रहे हो उनका कहना है आपराधिक छवि वाले लोगों को अखिलेश यादव क्यों टिकट दे रहे हैं क्यों युवाओं का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करे जिस पर खुद ही आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड हो 152 कैंडिडेट भाजपा के अभी तक ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं जवाब है नहीं मैं और आगे जवाब उनसे पूछूंगी मैं हर बात का जवाब दूंगा कई सवाल ऐसे आ चुका जिनका जवाब देना बाकी है मैं देना चाहता हूँ जनता को मूर्ख समझ मैं उनका भी जवाब दूंगा जवाब जनता सम्मानीय जनता जनार्दन है अभी जनता की बेइज्जती भाजपा के प्रवक्ता ने कर दी जनपद मुजफ्फरनगर के लिए अंजना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जनपद मुजफ्फरनगर की पूरी अर्थव्यवस्था किसान पे टिकी हुई है किसान खुशहाल होता है तो व्यापारी के पास पैसा आता है और व्यापारी की आमदनी होती है तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है इन्होंने व्यापारी का अपमान किया मैं इनका खंडन करता हूँ पहली बात दूसरी बात जो हमारे भाई ने कही हमारे यहाँ हमारे पार्टी के नेताओं पे कितने राजनीतिक मुकदमे भाजपा की सरकार में लगी आप जांच करा लीजिए आप दिखवा लीजिए टोटल के टोटल नेता टोटल के टोटल हमारे प्रत्याशी राजनीतिक लोग हैं जनता की सेवा करने वाले लोग हैं ये अपने कुलदीप सेंगर के बारे में क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का काम कभी तो हिंदू से मुस्लिम को लड़वा दे कभी ये विकास की बात करते नहीं अब किसान को भी आपस में बांटना चाह रहे इनका काम केवल बांटने का है जवान से अफसर को लड़वा दें सिपाही को अफसर से लड़वा दें भाई को भाई से लड़वा दें बाप को बेटे से लड़वा दें इनका काम है दरार पाड़ने का इनका विकास का काम नहीं है विकास के बात ही नहीं करते रोजगार की बात नहीं है करते किसान की बात नहीं करते किसानों को वहां कार से रोन दिया वो मंत्री को इन्होंने पद रखा आज तक उसका मंत्रालय नहीं छीना इन्होंने अब पूछो इनसे जहां तक विकास की बात है इस आज जनपद में 3 हाईवे हैं मेरा निवेदन यह है जहां तक विकास की बात है आज जनपद में 3 हाईवे हैं और इस जनपद में यहां से देहरादून आप जाओगे तो लगभग आपको 1.5 घंटे लगेंगे आप दिल्ली जाओगे 2 घंटे से कम समय में आप निश्चित रूप से पहुंचोगे हाँ हमने बनवाए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने बनवाए हमने गरीब के लिए इलाज के लिए दवाइयां मंजूर की हैं हमने उनके काम तो अपनी सरकार के बता नहीं पाते शहर के अंदर झूठ बोलने का काम मेरा निवेदन यह है जब आपकी बारी आएगी आप निश्चित रूप से पूछेंगे मैं किसान भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ आपस में आप बहस ना करें मेरा निवेदन है ये आपस में बहस ना करें प्लीज जवाब सुनो मैंने कहा है कि अगर किसी को विकास नहीं देखना तो मेरी जिम्मेदारी विकास दिखाना नहीं है लेकिन इस जनपद की जनता बता सकती है कि यहाँ 3-3 हाईवे हैं और जो लोग विकास के विरोध करते हैं वे उन हाईवे का आनंद भी ले रहे हैं मैडम इन्होंने सरासर पब्लिक के बीच में आपके सामने झूठ बोल दिया जिस देवबंद देहरादून तक के हाईवे की बात कर रहे समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी का दिया हुआ हाईवे है उन्हीं के समय में बना था अगर समाजवादी ने इतने की है तो सरकार अपराध इन्होंने किए दंगे इन्होंने दिए टिकेट साहब दंगों पर आ जाएंगे और ये याद दिलाते हैं कि दंगा याद करो ये कहते हैं गन्ने पर लड़ो उस पर लड़ो
आप क्या कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में और जहाँ जहाँ यूपी में घूम रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हम पूरे देश में हमने बता दिया कि मुजफ्फरनगर में वो स्टेडियम बंद हो गए जहाँ पे वो यहाँ पे मैच खेलते थे। अब ये पूरे सरकारें अब उसी मैच को खेलना चाहती है, वो यहाँ मैच होगा नहीं, वो मैच प्रतिबंध है। अब यहाँ पे आप विकास की बात करो, गन्ने की बात करो, किसान की खेलते थे ये? जो अभी बता रहे बच्चों को जो चीज शिक्षा दिखाई जा रही वो मैच अब यहाँ चलने का नहीं, क्योंकि ये आप लोग हिंदू मुस्लिम मैच खेलते हैं वो क्या अब नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, हमने सबका साथ और सबका विकास की बात की है। हमने जो योजना दी है छोड़ दिया, कह दिया कि हमने छोड़ दिया वो, अब ये भी विकास हमने कभी किया नहीं है। अच्छा छोटा नहीं साहब की बात को काटता हूँ, हमने कभी नहीं कहा, नहीं इन्होंने छोड़ दिया। मैं टीका साहब की बात दूसरी से अब देखो विकास पे बातचीत थोड़ी झूठ दिया। और बात तो ये इस तरह की पॉलिसी देश में बने अलावा जी, इस तरह की पॉलिसी देश में बने के सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के विकास का मॉडल तय करे, किसी की भी सरकार आ जाए भाई ये छुटे हुए काम इसने ज्यादा करे या उसने ज्यादा करे, एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे बात कोविड के उसकी करें, ये तो मोहब्बत नगर रहा है मुजफ्फरनगर, ये कोई झगड़ालू रोड नहीं रहा। लेकिन कुछ बच्चे आज भी उसी उसमें क्या रोजगार मिल गए, क्या यहाँ पे जो आईएएस बनते हैं वो पढ़ लिख के बच्चे जाते थे, करीब 70 से ज्यादा आईएएस डायरेक्ट वो कर दिए, हमारे बच्चे तो उसमें लगा दिए। सुन ले भाई बात सुन ले, अरे बात सुन ले, बात सुन ले, सुन लो सुन लो सुन लीजिए सुन लीजिए बात सुन ले, आपने बोल लिया ना आपने बात सुन ले में, अरे अभी ज्यादा बोलने की बीमारी है क्या? बात सुन ले प्लीज सर, प्लीज बात पूरी करने दीजिए। हमने ये कहा कि इस तरह की वो चल रही है कि बगैर भर्ती के यहाँ पे आईएएस बनाए जाते हो, वे कहाँ पोस्ट होंगे और जो पढ़े लिखे बच्चे वे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, बात अब होनी चाहिए बच्चों के खेल के स्टेडियम की, बच्चे सड़क पर दौड़ते एक्सीडेंट होते हैं। कोरोना काल में कोरोना के नाम से यहाँ पे स्कूल बंद करे, शराब के ठेके खुल सके, स्कूल बंद रहेंगे आज भी, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब वो ट्रेनिंग कैंप, और फिर सुन लो भाई किसी का दिमाग खराब हो वो ट्रेनिंग कैंप चलेगा नहीं यहाँ पे, ये कान खोल कर सुन लो, ये 2.5 महीने के पैरोल पे है हिंदू मुस्लिम और जिन्ना यहाँ पे, इसके बाद यही रहना है आप सबको। और ये बयानबाजी जो चल रही है आज के देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बयान दे रहे के उलझ जाए, ये मुजफ्फरनगर नहीं उलझेगा अब न, यहाँ पे वो स्टेडियम है, वे स्टेडियम बंद हो चुके हैं मुजफ्फरनगर की धरती पे, कोई नहीं खुलेगा स्टेडियम, कोई नहीं खुलेगा। मैं एक सवाल कहना चाह रहा हूँ, आप क्या करते हैं सर? मेरा नाम संजीव गांगुली और मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा ना भाई, बात कहना चाह रहा हूँ, सबको बोलने दो धीरे से। जब समाजवादी की सरकार थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि 3-3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठते थे तो पुलिस वाले उनको हाथ नहीं लगाते थे, एक विशेष समुदाय के लोग वो बैठते थे, और ऐसा भी होता था कि थानों से लोग उनको छुड़ा के ले आते थे। ये परिवर्तन आया है 2017 से 2022 तक कि अब कम से कम ऐसा नहीं होता, वरना मुझे याद है कि 2016 इंस्पेक्टर साहब के चेहरे पर बड़ा तनाव आ गया आपने पुलिस के बारे में बोला तो, नहीं, नहीं, उनका चेहरा दिखाई ऐसा नहीं है, मैं किसी को क्यों क्या दबाव रहता था क्या अखिलेश जी की सरकार में? ये परिवर्तन तो है ही, कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन ये परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिख रहा है कि ये कुछ पुलिस में हुआ है या लोगों को, ये जहां तक सुरक्षा की सवाल है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको कैसा लगता है क्या जो ये कह रहे हैं ये सही है? देखो कई किसान मुझे मिले जिन्होंने कहा, मैं आ रही हूँ, कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुआ, उन्होंने कहा रात में भी खेत जाने में डरते नहीं है, ये तो पहले तो मोटर ही खुलवा लेते थे। एक प्रचार चल रहा है, रिपोर्ट दर्ज होती नहीं, एक पक्षीय रिपोर्ट होती है तो आप दांतों खराब अपने आप गिर जाएगा। ये एक पक्षीय आदमी दिख रहा है आपको, ये भी तो नागरिक है देश का, नहीं कहा मैं इनका, नहीं कहा मैंने। और ये एक गुड़िया ने हमारा सवाल किया था रोजगार के बारे में, मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार, कोई हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी हो, नेशनल लेवल पे वो इतने रोजगार नहीं दे सकती है जितनी, जब तक एनआरसी लागू नहीं होगा या समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप ठीक है, लेकिन आप भाषणबाजी कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल नहीं पूछ रहे, मैं चाहती हूँ सवाल पूछे लेकिन प्लीज भाषा संयम के साथ। मैडम पहली बात तो ये, मैं जैन साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि समाजवादी की सरकार जैसे पहले थी और रातों रात यहाँ से डीएम वगैरह जो चेंज करे थे वो था, क्या अब समाजवादी की सरकार आने के बाद फिर वही लोगों के गले की चैन छीनी जाएंगे या फिर वही होगा? किस बेस पर समाजवादी को वोट करा जाओ?
वो जवाब दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, यूपी 100 के माध्यम से क्राइम को रोकने का काम समाजवादियों ने किया था, 1090 के माध्यम से महिलाओं का उत्पीड़न रोकने का काम समाजवादियों ने किया था। यहाँ पर बात होनी चाहिए रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा बिजली पानी की। आज ये लोग आम रोजगार की बात नहीं करना चाहते, किसान की बात नहीं करना चाहते, इनके पास एक मुद्दे के अलावा मुद्दे खत्म हो गए। और अंजना जी एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जिस जिले में जिस सीट पर आप खड़ी हैं, यहाँ के थोड़े से विकास की बात भी आप कर लीजिए। मैंने कई डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ता जी को चैलेंज किया कि ये पांच काम विधायक जी के बता के दिखाए, पांच काम बता नहीं पाते। और एक चैलेंज मैं आपके चैनल पे भी इन्हें करता हूँ, 2012 से 17 तक समाजवादियों की सरकार थी और 17 से आज 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं अपना मैनोफेस्टो मंगा लेता हूँ, अपना मंगा ले, मैनोफेस्टो पे चर्चा हो जाए किसने क्या किया। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा भाई, सवाल पूछना, मेरा ये सवाल है कि कोई भी पार्टी वाले बता दे कि किसान का किस सरकार ने भला करा है, नाम बता दो, और किसने 14 दिन में पेमेंट करा उसका नाम बता दो, और ये भी बता दो अपनी सरकार में पूरा बकाया भुगतान करा। एक 20 रुपए की बोतल का रेट निर्धारित है 20 रुपए, लेकिन किसान को अपनी फसल का रेट का नहीं पता तक कि क्या रेट गवर्नमेंट निकल लगी। ये तय होना चाहिए कि फसल आप गन्ने किसान की फसल ले रहे उसका रेट क्या निर्धारित है। सुरक्षा पे बात हो अच्छी बात है, शिक्षा पे कितनी बात कर पा रहे, रोजगार पे कितनी बात कर पा रहे, ये सारी चीज सोचने समझने की है। बात ही नहीं है कि उफान के तूफान करे हिंदू मुसलमान, अरे यहाँ हम सब आपस में ही रहे, एक दूसरे के काम भी यही आओगे, यही हमें रहना, लेकिन मुद्दा यह है क्या हम उस पर टिक पाए, क्या उस पर रोजगार दे पाए, क्या शिक्षा संस्थान अच्छी तरह कर पाए, क्या युवाओं के लिए भर्ती निकली, क्या हम कर पाओगे वो बेटर। वोट तो हमने दी, वोट तो हमारे को दे रहे। रोजगार और भर्ती पर आप जवाब नहीं देना चाहते क्या, इसीलिए हिंदू मुसलमान करते हैं? सीधा सवाल। मैं समझता हूँ ये तो सवाल इन्होंने भाई साहब से पूछा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपके सवाल मुझसे कैसे, मैं तो अपनी सरकार के बीच में नहीं, बीच में नहीं। जहाँ तक विकास का सवाल है तो आप जिस स्टेडियम में कहो या जिस मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं, स्टेडियम है ये सर मैदान है, दोनों चीजें कहा है, ऐसी हालत है वो तो हमने यहाँ कारपेट, मैंने दोनों चीजें कहा है सर, ये स्टेडियम जैसी हालात बनी, ये जो मैदान है इसका विकास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नहीं तो यहाँ ऐसे ऐसे गड्ढे थे जो आपको यहाँ खड़ा होना मुश्किल था। और जहाँ तक यहाँ बिजली का सवाल है, हमने नए 29 बिजली घर नए बनाए हैं, 24 घंटे बिजली हम लोग शहरी क्षेत्र में दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे ज्यादा बिजली हम लोग दे रहे हैं। आपके हिसाब से विकास है जी, फील्ड में गड्ढा भरना फिर उसे स्टेडियम कह देना ये विकास? स्टेडियम नहीं बहन जी, आप देखो यहाँ चारों तरफ लाइटें, तीन तीन हाई मास्ट लाइटें, शाम को बच्चे घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, पीछे जिम लगा हुआ है, महिलाएं किधर खड़ी है, महिलाएं पूछेंगी सवाल, मैं चाहती हूँ महिलाओं के सवाल, मैं महिलाओं से सवाल, महिलाओं से सवाल लेना चाहती हूँ। परिभाषा मैम, विकास की परिभाषा आप देख लीजिए, हमारे पड़ोसी जनपद बिजनौर में जो मतलब सड़क तैयार की थी बीजेपी के सिटिंग एमएलए ने, वो सड़क नारियल तो फूटा नहीं, श्री गणेश होते हुए नारियल ही फूटी है सर, सड़क फूट गई, नारियल नहीं फूटा, सड़क फूटी है, सड़क फूट गई। विकास को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं बहुत से, सांसद इनका था मलूप रागर वानखेड़ा, वहाँ तो अज्ञात है कहाँ है, गुंडागर्दी की बात करते हैं, मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी में है, नई दसन धमकी देता है, वोट नहीं दोगे तो हम मार देंगे यहाँ पर, आप गुंडा आपने भर रखे जारे भारे भर रखे, आप यहाँ पे धमकी देता, कलेश यादव जी मेरी सरकार आएगी आपको देख लेंगे, वोटर को देख लेंगे, क्या हम लोग गुंडागर्दी खुद दिखाते हैं भैया, बात दबाओ क्या है, ये झूठ बोल रहे हैं, अजय टेनी कौन है बोल रहे हैं, जिसने किसानों की हत्या करी कौन है, दिखा दें इसके बाद अजय टेनी पे जवाब, ये नई दसन का कोई बयान दिखा दे जहाँ उसने उन्होंने धमकी दी हो, मैं इनके नेताओं के 100 बयान दिखाऊंगा, 100 बयान दिखाऊंगा, दिखाओ एक वीडियो में चैलेंज कर रहा हूँ, आप दिखाओ एक वीडियो, और अंजना जी दिखाते हैं, दीदी को बोला है पत्रकार को देख लेंगे सबको, उन्होंने नई दसन का कोई बयान दिखाओ, झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ बात है मैडम, मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के गौरव जैन से है, वो विकास 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 गा रहे हैं, एक मिनट, वो विकास विकास गा रहा है जब से, सारा विकास संजीव भाईयान इस मुजफ्फरनगर को चमकाने का काम यहाँ पे मंत्री है, सवाल नहीं कर रहे, ये सवाल नहीं है, किसी को सवाल करना है तो सवाल करिए, हाँ मैडम पूरा जवाब नहीं ले रही मेरा, नहीं नहीं दुर्भाग्य है कि आप लोग सवाल नहीं कर रहे, आप पूरा जवाब नहीं ले पा रही, हाँ जी पूरा जवाब नहीं ले रही। अजय हम एक बात बताना चाहते हैं, खुल के क्या राजनीति के मैदान में आ गए हो, अरे एक मिनट सुन लो भाई, क्या राजनीति के मैदान में आ गए हो आप, एक सेकंड प्लीज,
नारेबाजी। एक मिनट बात, लास्ट क्वेश्चन है, क्या खुल के अब राजनीति के मैदान में आ गए? हम तो राजनीति से दूर है, हम तो बात बतावे भाई, एक बात बताना चाहते हैं हम, ये सब लोग बैठे यहाँ पे, वहाँ हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है पूछे? हाँ ठीक है, और यहाँ पे किसकी है? बीजेपी। भाई हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वे खट्टर से कमजोर तो है नहीं, क्योंकि बड़ा स्टेट है और सबसे ज्यादा सीटों से जीत का है। वहां पे 12 रुपए 15 रुपए हॉर्स पावर बिजली का रेट है और यहाँ 175 है, तो 12 गुना रेट ज्यादा है यहाँ पे। तो अरे सुन ले भाई, बात सुन ले, अच्छा बीच में बोलने का किसी हकीम ने बता रखा। दूसरा ये है कि आधे रेट में यहाँ पे जो चावल है, धान की खरीद है, वो 1200 रुपए में होती है, ठीक है। एमएसपी गारंटी कानून की बात करी थी कि वो लग जाए तो कम रेट में व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी है, वो खरीद ना कर पावे, एक बड़ा सवाल है। और भारत सरकार को ये कहा था, अच्छा जो 750 किसान शहीद हुए वहां पे, एक बार जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि प्रधानमंत्री तो उन किसानों के भी हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं या पूरे देश के हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सबके हैं या बीजेपी के हैं? आप दोनों से ये जो है जनता का जनता का ये बेवकूफ बना रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया बढ़िया बिजली, बढ़िया सड़कें, ये पैसा खा रखा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, बिजली चल जाएगा, बढ़िया सड़कें, मतलब बढ़िया कैसे चल। अरे हरियाणा में हरियाणा में 15 रुपए है, वहाँ 175। पॉइंट बता दिया, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल हम पहुंचेंगे देवबंद, और देवबंद की जनता धागे की सवाल नेताओं को देना होगा जवाब। आप देखते रहिए आज तक।